उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं अपने, जो उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी, जो मैंडेट था, उसकी वजह से उन पर सवाल लाजमी है। हम वाराणसी पहुंचे हैं, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहां पर पहुंचे हैं, सोचा था गंगा घाट पर बातचीत होगी योगी जी से, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया हमारा, लेकिन यहां पर बैठ के भी हम वो बातें करेंगे। और पहली बात जो आती है योगी जी मन में वो ये कि आप एक महीने के अंदर दूसरा दौरा वाराणसी का आपका, क्या वाराणसी का दर्जा योगी सरकार में वो हो रहा है जो पिछली सरकार में मैनपुरी सैफई का था, क्या पूर्वांचल को वो दर्जा मिलने लगा है, गोरखपुर काशी सब? देखिए ऐसा नहीं है, मैं वाराणसी 100 दिन में दूसरी बार, और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में मेरा लगभग दूसरा राउंड प्रारंभ हो चुका है। वैसे भी काशी तो हम सब की सांस्कृतिक राजधानी है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, ये तो उत्तर प्रदेश और काशी वासियों के लिए गौरव की बात है ही, लेकिन ये हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है, और मुझे यहाँ पे पहले से पूर्ण निर्धारित कार्यक्रमों में आना था, इसलिए मैं काशी आया हूँ जी। क्योटो बनाने की बात हो रही थी काशी को, बहुत काशी बनेगा, काशी के अंदर चल रही योजनाएं काशी को चल रही है। देखिए आपको लगा होगा पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने जो कार्य अवरुद्ध किए थे उन कार्यों को इन 100 दिनों में एक गति दी गई है, हम लोग उसकी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वे कार्य एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं और समय सीमा के अंदर पूरे होंगे, और हम मानते हैं कि स्मार्ट सिटी के रूप में काशी की जो सांस्कृतिक पहचान थी उस रूप में भी काशी को जो महत्व मिलना चाहिए था जो मिल नहीं पाया था, ये काशी का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बनने का अवसर काशी को प्राप्त हुआ, और काशी में विकास की योजनाओं को जो एक गति राज्य सरकार के स्तर पर मिलनी चाहिए थी वो एक गति देने का प्रयास हो रहा है। 100 दिन पूरे होने पर आपने कहा 100 दिन विश्वास के, बीजेपी सरकार ने कहा, कांग्रेस की तरफ से कहा गया 100 दिन 100 फरेब, मायावती आई उन्होंने कहा 100 में मैं 0 भी दूंगी इन लोगों को, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? देखिए हम लोगों ने जनता के अंदर एक विश्वास जागृत करने का प्रयास किया है इन 100 दिनों में, प्रदेश की कार्य संस्कृति एकदम पिछले 12-15 वर्षों में नष्ट हो गई थी, उस कार्य संस्कृति को प्रदेश के अंदर पुनर्स्थापित करना हमारे सामने एक चैलेंज था, वो हमने प्रयास किया है कि उसको स्थापित करें, और इस दिशा में प्रदेश के अंदर जो जनअपेक्षाएं हैं उन जनअपेक्षाओं के अनुरूप विकास के कार्य प्रारंभ हो सकें उनको हम लोगों ने प्रारंभ करने का एक प्रयास किया है और उसके सार्थक परिणाम भी सामने आए। आपने क्राइम को लेकर कहा है कि योगी सरकार अपराध मुक्त, इसकी उम्मीद लोगों को शुरू से थी, लेकिन क्या क्राइम पर उस तरीके से आप काबू पा पाए, क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं वो एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। देखिए अगर आप आंकड़े में जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा, हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले FIR लॉन्च नहीं होती थी, हम लोगों ने सबसे पहले तो इस बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश में 100% FIR दर्ज हों, फिर अपराध हो रहा है पहले तो अपराध को रोकने की पूरी तैयारी हो, लेकिन आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण से कोई अपराध घटित भी हो रहा है तो उसका वह वर्कआउट होना चाहिए, अपराधी पकड़े जाते हैं समय पर चार्जशीट दाखिल करिए, जो अपराधी जेल के अंदर हैं पैरवी करके उनको सजा कराने की तैयारी होनी चाहिए, हर स्तर पर कार्रवाई चल रही है। तो आंकड़े इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि FIR दर्ज हो रही है। हाँ 100% FIR दर्ज करने, दूसरा जिन माफिया गिरोहों पर शिकंजा कसना प्रारंभ हुआ है जी। क्योंकि प्रदेश तो बदनाम रहा है खनन माफिया के लिए, वन माफिया के लिए, भू माफिया के लिए, राजनीतिक संरक्षण में पनपने वाले उन संगठित गिरोहों के लिए जिन्होंने प्रदेश को अराजक और जंगल राज में बदल दिया था, उन लोगों पर जब शिकंजा कस रहा है तो वहां से बेरोजगार हुए लोग कहीं तो डिस्टर्ब करेंगे, तो ये वह स्टेज है और हमें माइंड मेकअप करके चलना होगा कि ये कुछ समय तक चलेगा जब तक कि हम हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद न कर दें, ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। दूसरी उपलब्धि जो लोग आंकते हैं, आपके प्रशंसक खास तौर पर कहते हैं, वो है किसान कर्ज माफी जी। घोषणा हुई लेकिन क्या कोई योजना उसके साथ लागू हुई, क्या आवंटन हुआ उसके लिए, क्योंकि कुछ किसान बुंदेलखंड के ऐसा कहते हैं उनके पास नोटिस आ गया है कर्ज वापसी के। देखिए ये कुछ बैंकों ने, एक दो बैंकों ने किया था, हम लोगों ने बैंकर्स के भी हमारी बैठक हुई थी और हम लोगों ने बैंकों से को इस बारे में स्पष्ट कहा है, क्योंकि इसमें
किस बैंक से कितने किसानों ने पैसा लिया है। हम लोगों ने 31 मार्च 2016 तक लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के फसली ऋण को माफ करने की घोषणा की है। ये सूची हमें बैंक ही देंगे, तो बैंकर्स ने हमें सूची देने में कुछ लेट किया है। हम लोग अभी पिछले दिनों उनके साथ बैठे थे, तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा है उनको कि किसी भी किसान को आप नोटिस नहीं देंगे। बजट पास करते ही हम इतना पैसा बैंक संबंधित बैंकों को दे देंगे, उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। पूरी योजना को हम लोग कार्यरूप दे चुके हैं, सभी बैंकर्स को उनके सामने हम लोगों ने लक्ष्य रख लिया है। उतना पैसा हम बैंक को दे देंगे और बैंक उन किसानों के उस जो पैसा 1 लाख तक का ऋण उसका रहा है, उस ऋण को माफ करके किसान के सतत विकास और उसकी आत्मनिर्भरता के लिए जो कदम प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए थे, वो हम उसके माध्यम से उठा रहे हैं। एक और असल में आपके शुरुआती हफ्ते में ही कई ऐसे कदम आपने उठाए थे जिसको लेकर इतनी चर्चा हुई, लोगों ने कहा योगी जी धीरे धीरे चलिए थोड़ा, लेकिन बूचड़खाने आज जब तस्वीर आती है, आज तक पर ही हमने दिखाया कि किस तरीके से बैकडोर से वो अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। क्या 100 दिन आपने एक बहुत छोटा दायरा अपने आपको एक बहुत तेजी से काम करने वाला आपको अपने टाइम लिमिट ले लिया? देखिए, जहाँ पे कार्य संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई थी, आखिर उस स्टेट के लिए हमें एक लक्ष्य तो तय करना चाहिए, और ये केवल 100 दिन का लक्ष्य नहीं था हमारा, अभी हम लोग आगे भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार 100 दिन के बाद सरकार बैठ जाएगी, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा, इसलिए बड़ा लक्ष्य रखा गया जिससे लोग उतनी मेहनत के साथ कार्य कर सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रशासन ने अच्छा करने का प्रयास किया है, और इसीलिए मैंने प्रदेश भर का दौरा भी इस दौरान किया। कम स्तरीय स्तर का पूरा दौरा मेरा संपन्न हो चुका है, हम जिले स्तर पर अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया उसी का हिस्सा था। हम लोगों ने अवैध बूचड़ इलीगल जो स्लॉटर हाउसेस थे उनको हम लोगों ने बंद करने के लिए एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को ध्यान में रखकर के उसी प्रकार के एक आदेश जारी किया कि भाई इनका पालन आप लोग अपने अपने जिलों में करवाइए। इस दौरान बहुत सारे ऐसे मामले थे जिन्होंने कोर्ट में जाकर के वहाँ पर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उसमें कुछ अलग ही डायरेक्शन जारी किए हैं, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। अभी 17 जुलाई को कोर्ट में मामला लगा हुआ भी है, लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग प्रदेश के अंदर इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है, और जो करता हुआ पाया जाएगा उसको दंडित भी करेंगे। इन्हीं 100 दिनों का टारगेट था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, आपकी अपनी सरकार ने कहा कि 63% हुआ है। अब बारिश का मौसम आ गया है यहाँ पर, हम लोग नहीं 63% नहीं, लगभग 80% से ऊपर हम लोग पहुंचे हैं। 1,21,000 किलोमीटर गड्ढा युक्त सड़कें उत्तर प्रदेश के अंदर थी, अलग अलग विभागों, इसमें गन्ना विभाग था, इसमें PWD था, इसमें सिंचाई विभाग भी था, इसमें मंडी समिति थी, इसमें स्थानीय निकाय की इकाइयां भी थी, इसमें जिला पंचायत भी थी, पंचायती राज का भी था, अलग अलग विभागों के थे। बहुत सारे विभाग थे जिनके पास इस मद में कोई पैसा नहीं था, जैसे सिंचाई विभाग है, जैसे गन्ना विभाग है, इनके पास कोई भी इस मद में पैसा नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से जब बजट पास होगा तभी हम उसको पैसा दे पाएंगे। मंडी समिति के पास पैसा नहीं था, लेकिन मंडी समिति को हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था कराई, क्योंकि मंडी के मद में कुछ पैसा था तो सड़कों के लिए हम लोगों ने उनको उपलब्ध करवाया। PWD के कुछ पैसा दिया गया, तो कुछ पैसा बजट पास होते ही हम उनको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लेकिन पहली बार हो रहा है कि 100 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर 85,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बन जाएं, गड्ढा मुक्त हो जाएं। 1,21,000 है, ये 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पाप और भ्रष्टाचार का एक नमूना है प्रदेश के अंदर। ये जो गड्ढे हैं, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, हमें नहीं मालूम था कि इतने बड़े गड्ढे होंगे, लेकिन इनके पाप और भ्रष्टाचार के गड्ढे इतने व्यापक हैं, इतने बड़े हैं कि इनको भरने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन हम लोग इस कार्य को, इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राम नाम राम राम जपना पराया काम अपना, कि अभी तक योगी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, सारा हमारा ही बजट चल रहा है, हमारा ही आवंटन है, हमारा ही काम है। देखिए, सबसे पहली बात तो अखिलेश यादव ने इसी बहाने भगवान राम को याद तो किया, दूसरा अगर उन्होंने काम किया होता तो संभवतः प्रदेश के अंदर ये सड़कें 1,21,000 किलोमीटर की सड़कें गड्ढा युक्त तो नहीं होती। अगर उन्होंने काम किया होता तो लखनऊ में मेट्रो चल रही होती। अगर उन्होंने कार्य किया होता तो प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण के लिए हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी होती। आज
उनके समय के आंकड़ों को आप उठा के देखिए और आज पिछले 100 दिन के अंदर प्रदेश में विद्युत वितरण के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है पहली बार हो रहा है जब बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को बिजली मिल रही है। हमने जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देनी प्रारंभ की, तहसील और बुंदेलखंड मुख्यालयों को 20 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की, हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की बिजली देनी प्रारंभ की। इस दौरान 18,000 से ऊपर जो छोटे छोटे मजरे थे उनमें विद्युतीकरण का कार्य हम लोगों ने संपन्न किया है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है 24 घंटे के अंदर बदलने की एक नई परिपाटी प्रारंभ की है, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। आखिर ये सब काम इन्होंने किए होते तो ये सब हमारे ऊपर बोझ क्यों होता है? ये आपका एक और बहुत एम्बिशियस और उसके साथ ही विवादित योजना थी, एंटी रोमियो स्क्वाड। लड़कियों ने, लड़कियों के परिवार वालों ने तारीफ तो की, लेकिन कई युवा कहते थे कि हमें परेशान किया जाता है। आज की तारीख में आपको लगता है कि अब सेटल हो गया है एंटी रोमियो स्क्वाड? सेटल नहीं हुआ, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुधार हो गया है उसमें? जो सुधार हुआ है उसके लिए गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई है, और उसमें अगर जिन पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस कर्मियों ने उस गाइडलाइन के विरुद्ध जाने का कार्य किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। लेकिन इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 13 लाख ऐसे मामलों को चिन्हित किया जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूल कॉलेजेस के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर, किसी बाजार, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में, पूरे प्रदेश के अंदर अब तक पिछले 100 दिन के दौरान लगभग 13 लाख ऐसे मामले चिन्हित हुए थे, जिसमें 8 लाख तो उन 8 लाख ऐसे लोगों को उनके परिवार वालों को बुला करके उनको सौंपा गया, 5 लाख में कड़ी हिदायत उनको दी गई। लोगों ने, परिवार की महिलाओं ने, बहु बेटियों ने इसका स्वागत भी किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये युवाओं के विरुद्ध, युवाओं के विरुद्ध नहीं था, मंचलों के विरुद्ध था, उन दोनों शरारती तत्वों के खिलाफ था जो सड़क पर चलना माँ बहनों की, बेटियों की के लिए एक समस्या पैदा करते थे, उन लोगों के लिए व्यवस्था है और ये आगे भी चलेगा। योगी जी, महिला सुरक्षा का क्या आपने जिस महिला से जाकर मुलाकात की जिस पर एसिड का अटैक हुआ था, दोबारा अटैक हो गया मुलाकात के बावजूद? देखिए, ये छठी बार ये घटना घटित हो रही है जी। और आज जो मामला सामने आया है वह स्वयं हाथ से लगाने का प्रकरण सामने आया है, तो हम लोग इस बात की जांच करा रहे हैं कि सचमुच एक घटना घटित हुई, क्योंकि वे जिस हॉस्टल में रह रही हैं वे पूरी तरह सुरक्षित हॉस्टल है, कोई बाहरी व्यक्ति वहां जा नहीं सकता है। उस सब के बावजूद एक घटना की कैसे वहां पे चीजें हुई हैं, हम लोगों ने इसीलिए ऑब्जर्वेशन में इस चीज को रखा हुआ है, क्योंकि उस समय मैं स्वयं KGMU में मिलने के लिए गया था, देखने के लिए मैं गया था, और एक घटना हम लोगों ने इसीलिए उनको सुरक्षित ठिकाना भी दिया था। ये घटना सचमुच घटना है या फिर घटना के नाम पर कुछ लोग केवल बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, इन सब चीज सब की तह में निकला जा रहा है। अब तक की जो रिपोर्ट आई है मुझे लगता है कि वो शाम तक क्लियर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि कानून किसी को संरक्षण देने के लिए है, अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो कानून को उसको भी गिरफ्त में लेना होगा, हमें इन सब मामलों में ये भी देखना होगा। योगी जी, आपको 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है, 24 घंटे काम करते हैं सातों दिन, तो बोझ भी काफी बढ़ गया होगा सब पर, आपके आसपास के अफसरों पर, बाकी मंत्रियों पर, लेकिन क्या आपके आदेशों का पालन उसी रफ्तार से हो पा रहा है? देखिए जिस प्रदेश में कार्य संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जहां पर मुख्यमंत्री सप्ताह में 10 मिनट के लिए कार्यालय जाते थे, जहां पर अधिकारी 11 बजे के बाद चले गए तो चले गए, नहीं तो लंच के बाद तो कोई कार्यालय सब वीरान हो जाते थे, वहां पर एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, और मुझे लगता है हम लोग तो एक टारगेट पहले ही दे दिए हैं कि भाई जो इस स्पीड से चल पाएगा वो रहें, बाकी जो नहीं चल सकता वो अपना रास्ता तय कर लें। हम लोगों ने सबके सामने इस बात को कह दिया है।